क्या आपको पता है दुनिया के 10 सबसे बड़े मॉलों में से एक मॉल थाईलैंड में है। 9 सबसे बड़े मॉलों में जिसका नाम सुमार है थाईलैंड में 89,00,000 स्क्वायर फीट में मॉल बनाया। का एफपीपी ड्रोन है जो आपका मैं थाईलैंड में चेक कर रहा हूँ। आईफोन 15 प्रो पड़ रहा है 41,900 रुपए, इंडिया से काफी सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पे ना कैमरा वैमरा सब कुछ सस्ता है। फ्लोर में आऊँ उसका सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर भाई साहब आप गिनते रहो। ये बैग के साथ साथ आपकी गाड़ी भी है भाई और ये आगे साहब। तो आज के इस वीडियो में आपको लेके चलने वाला हूँ थाईलैंड के और दुनिया के उस सबसे बड़े मॉल के अंदर। Hey guys, welcome back to my new blog. तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और इस समय मैं आपका थाईलैंड में हूँ, थाईलैंड के सबसे बड़े शहर बैंकॉक में। और भाई जब भी कोई आपका थाईलैंड घूमने आता है ना, बैंकॉक और पटाया ही घूमता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीच लाइफ अगर कहीं है तो वो पटाया के अंदर है। और सबसे ज्यादा बड़े मॉल और एकदम स्मार्ट सिटी अगर कोई है तो वो आपका बैंकॉक है। अरे इतने सारे थाईलैंड के वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद यार। मैं बस निकल के आ गया अपने रूम से, क्योंकि ना मुझे पता चला एशिया का सबसे बड़ा मॉल थाईलैंड के अंदर है। और दो दिन बाद ना मैं थाईलैंड से चला जाऊंगा भैया आपका वियतनाम के लिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे से वो मॉल छूट जाए भाई, वरना लोग कहेंगे थाईलैंड गया था, अब वहां नहीं गया तो कहां गया। तो भाई हमने कहा पकड़ा अपना बैग और निकल गए भैया बड़ा मॉल घूमने के लिए जो कि थाईलैंड के अंदर है। और इस टाइम पे आप देखो भाई ये आपका क्राउड है। और भाई थाईलैंड में ना सबसे अच्छी बात तो यह है ना, देखो बीच रास्ते में इधर रास्ता है इधर रास्ता है, लेकिन बीच में आप देख रहे हो जैसे लोग अपने घर में गार्डन लगाते हैं ना, वैसे यहाँ के हाईवे पे आपको गार्डन मिल जाएगा। भाई देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से मतलब आपका सजाया हुआ है। और दूसरी बात एक और भाई, यहाँ पे ना आप मुझे गंदगी दिखा दो चाहे रोड हो या आपका फुटपाथ, भाई इतने नीट एंड क्लीन रहते हैं ना कि आपका कुछ सामान भी गिर गया था ना आपको एकदम एक चुटकी में आपको दिख जाएगा। और चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज आपको घुमाते हैं एशिया का सबसे बड़ा मॉल थाईलैंड के अंदर। इतने सारे लोग क्रॉस कर रहे थे मैंने इसलिए कर लिया, वरना भाई मैं अकेला होता ना तो मैं क्रॉस नहीं करता, क्योंकि टूरिस्ट को लेकर ना यहाँ की पुलिस थोड़ा सा उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। अगर यहाँ लोकल लोग हैं तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन टूरिस्ट है ना तो 500-600 बात का तो चालान काट ही देते हैं। तो भाई जिस मॉल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ना कि आपका सेंट्रल वर्ल्ड नाम से जो मॉल है भाई, वो है मेरे पीछे, देखो सामने ये आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला मॉल है जो आपका थाईलैंड का भी सबसे बड़ा मॉल सेंट्रल वर्ल्ड मॉल। भाई ये भी एक अपने में एक अलग ही दुनिया है ना, घूमना फिरना आप वो सारी चीजें देखते हो जो कि इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में टॉप टॉप में है। तो चलो घूम के आते हैं यहाँ जाने के लिए ना, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा चौड़ा है भाई साहब, देख रहे वहां जाने के लिए हमें कम से कम ऐसे घूम के फ्लाईओवर से निकल जाना पड़ेगा। और ये भाई देखो थाईलैंड की बस है। और थाईलैंड में ना जब आप ट्रेवल करोगे ना तो यहाँ पे गाड़ियों का नंबर लिख रहते हैं जैसे दिल्ली में लिख रहते हैं ना, तो यहाँ पे घूमने में इससे आसानी हो जाती है। बाकी मैंने आपको बता ही रखा है भैया, अगर आपको कहीं भी जाना है भी घूमना है तो आप गूगल पर चेक करो, मैप पे डालो कौन सी बस कहां से मिलेगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे छोड़ेगी और किराया कितना लगेगा, सब कुछ आपको पता जाएगा, कोई आपका चूतिया नहीं काट सकता है। तो ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं मेरे आगे ना, ये सारे लोग अभी मॉल में जाने वाले हैं। भाई यहां पे बिल्डिंग्स देख के ना मेरा तो दिल खुश हो गया भाई, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ना सच में। पूरे मॉल में एलईडी स्क्रीन लगी है, जो जो ऐड करवानी है वो ऐड यहाँ पे चल रही है। यहाँ की ना जो गाड़ियाँ है ना, कुछ गाड़ियाँ तो भाई मेरे को इंडिया में देखने को भी नहीं मिलती भाई, इतनी लग्जरी लग्जरी टूर एंड ट्रेवल में गाड़ी चलती है भाई, मर्सिडीज और आपका बेंज वैन सारी गाड़ियाँ। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ ब्रिज के ऊपर। भाई क्या देख रहे हो, जाम देख रहे हो भाई। और इस ब्रिज को पार करके मैं उस मॉल पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ के लोग ना टिकटॉक बहुत चलाते हैं, यहाँ पे ना टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप जैसे हमारे इंडिया में ना रील्स बनाते हुए देखते हैं लोगों को, यहाँ पर लोग आप टिकटॉक बनाते देखते हैं। आपका ब्रिज से नीचे उतरते हैं, मैंने सुना थाईलैंड में लोग भीख नहीं मांगते हैं, बट यहाँ पे भी एक क्यूट सा बेबी लेके आंटी बैठी हुई है। तो मेरी जेब में ना कुछ पड़े होंगे आपका थाई करेंसी में, कितने हैं 10-12-15 रुपए। ओके ये क्यूट क्यूट से बच्चे के लिए हेलो नमस्ते, लेकिन ये चीज गलत है ना, ये चाहे मैं ना इंडिया में प्रमोट करना चाहता हूँ ना ही थाईलैंड के लिए, बट यार अगर आप इतने कैपेबल हो आप चल सकते हो बोल सकते हो आप हाथ जोड़ सकते हो तो आप थोड़ा बहुत मेहनत भी कर सकते हो, बट कोई नहीं वो क्यूट से बच्चे के लिए वो आइसक्रीम खा लेगा। वैसे भी मेरे को यहाँ इतने सारे चिल्लर दे दे रहे लोग यार, क्या करूँ मैं। तो लो भाई मैं पहुँच गया इस मॉल के सामने। भाई मैं जितना पास आते जा रहा हूँ ना ये मॉल उतना ही बड़ा हो जा रहा है, सबसे बड़ा मॉल है वहाँ से शुरू होता है भाई, खत्म होने का तो नाम ही नहीं है इस मॉल का। शॉपिंग वॉपिंग तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, तो मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। बिकॉज भाई देखना अपने में बहुत बड़ी चीज है, कल को कोई ये ना कहे भाई तूने दुनिया में ये देखा नहीं देखा वो देखा नहीं देखा, इसलिए भाई मैं सब कुछ देख रहा हूँ यार। भाई साहब यहाँ से ना क्या व्यू आ रहा है देखो भाई, मॉल के चारों ओर भाई थाईलैंड इतना खूबसूरत है भाई। तो भाई मेरे को ना सच में सोचा नहीं था, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक दिन अपने गाँव में वीडियो बनाने वाला अपने जंगलों में वीडियो बनाने वाला एक लड़का दुनिया के 9 सबसे बड़े मॉलों में जिसका नाम सुमार है आपका सेंट्रल वर्ल्ड में घूमने आएगा, सिर्फ और सिर्फ YouTube और आप सब लोगों की बदौलत। तो थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने स्लैग बनाया कि मैं सिर्फ YouTube में वीडियोस बना के पैसे कमा के दुनिया के इन सारी खूबसूरत खूबसूरत जगहों में घूम रहा हूँ। अभी काम करते हैं, चलते हैं मॉल के अंदर, आखिर ये अंदर से दिखता कैसा है। तो इस समय ये भाई आपका आ चुका है मेन गेट आपका मॉल में जाने के लिए।
हेलो जी भाई, मैं आपका मॉल के अंदर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे देखो भाई कितने फ्लोर हैं और कैसे हैं भाई, ऊपर तक लोग चलते जा रहे हैं भाई साहब। मेरे को ना भाई आपका एक लेना है हार्ड डिस्क या SSD कार्ड या फिर एक बढ़िया सी चिप जिसमें मैं अपना मेमोरी को स्टोर कर सकूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा डाटा ना थाईलैंड का डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो भाई ये बॉक्स टाइप का बना हुआ है, तो चलो एक काम करते हैं इसके अंदर चलते हैं। जी शॉक की वॉच यहाँ मिलती है, वॉच देख के आते हैं कैसे। वॉचेस में स्पोर्ट्स वॉचेस सेल करता है, यहाँ पे इसकी कॉस्ट दिखा रहा है 5,000 बात। 5,000 बात मतलब आपका लगा लो 12,500 रुपये के हिसाब से। जैसे ये सामने आपका जी शॉक की वॉच पड़ी है ना, इन वॉच का प्राइस क्या है देखो, 33,000 बात, मतलब कि 60-70 हज़ार रुपये की वॉच है ये। ऊपर जाके देख के आते हैं यहाँ पे कहाँ मिलेगा SD कार्ड। तो भाई फोर्थ फ्लोर में आ चुका हूँ इस मॉल के। मैं खुद शॉक हूँ कि मैं कभी यहाँ आऊँगा, सोचा भी नहीं था मैंने भाई। ये आपका बिग कैमरा गैलरी है, यहाँ मुझे SSD कार्ड एंड सारी चीज़ें मिल जाएंगी भाई। ये वाला कैमरा मेरा ऑल टाइम फेवरेट था यार, लेकिन कभी खरीद नहीं पाया। इंस्टेंट फोटो खींचो, हाथ में निकालो और दे दो, क्या बात है भाई। देख रहे हो सारे GoPro की सारी एसेसरीज है भाई यहाँ पे, GoPro 9 से लेके 11 से लेके 12 से लेके सारे। मेरे को ना SD कार्ड लेना था आपका, और SD कार्ड यहाँ कितने महंगे मिलते हैं भाई। जो लोग बोलते हैं ना थाईलैंड में सस्ता मिलता है, देख लो भाई 128GB का SD कार्ड यहाँ पे 1,020 बात का है। ये देखो सामने 1,020 का बात का मतलब 2600 रुपये के आसपास। इंडिया में ना यही मेरे को आपका पड़ जाता है 1,250 रुपये का। महंगा है यार, मुझे लगा सस्ता मिलेगा यहाँ पे सब कुछ भाई। ये देखो आप, तो भाई ये देखो ये ड्रोन वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो ड्रोन लगा हुआ है ना DJI अवाटा 38,600 रुपये का दिखा रहा है बात में। इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू इंडिया में पता चल जाएगी भाई। अब आप देख लो भाई, जिसको ड्रोन चाहिए थाईलैंड से, मुझसे बहुत सारे लोग कह रहे थे ना भैया वहाँ ड्रोन सस्ते मिलेंगे, देख लो भाई। तो भाई जी अपने को अपना सामान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे अपना वो ड्रोन आपका ड्रोन मिल चुका है, जो आपका नया चल रहा है ना FPV। आपका एक आंख पे इसको पहनना पड़ता है, ये आपका चश्मा टाइप का हो जाता है 47,900। इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई अपने हिसाब से। तो भाई ये आपका FPV ड्रोन है, जो आपका मैं थाईलैंड में चेक कर रहा हूँ। ओके 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 भाई साहब, पूरा एकदम ऐसा व्यू दिख रहा है ना इसका भाई, क्या मस्त व्यू है यार, मजा आ गया भाई। ये ना ये जो आदमी है अभी ये ड्रोन यहाँ उड़ा नहीं सकते ना, इसलिए बंदा हाथ में लेके घूम रहा है, बट सच में ना इसको उड़ाने का जो मजा आएगा वो अलग ही आएगा। तो भाई जी ये जो ड्रोन मैंने चेक किया था ना, इसकी कॉस्ट पड़ रही है 31,900 रुपये आपका थाई करेंसी में। इंडियन करेंसी में बैठता है 80,000 रुपये, 79,000 के आसपास। तो आपका अगर आप दुबई से मंगाएंगे तो भी आपको 1,05,000 पड़ेगा इंडिया में, लेकिन ये 1,50,000 रुपये का ड्रोन आपको यहाँ पे मात्र 80,000 में मिल जाएगा। लेकिन इसकी वारंटी आपका ओनली थाईलैंड की वारंटी है, इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलेगी। बाकी भी बहुत सारे ड्रोन यहाँ पे लगे पड़े हैं, देख रहे हो यहाँ पे ना कैमरा वैमरा सब कुछ सस्ता है, कैमरा हो ड्रोन हो सारी चीजें सस्ती हैं। लेकिन भाई आपका जो स्टोरेज है ना, मतलब आपका SD कार्ड हार्ड डिस्क SSD कार्ड माइक्रो SD कार्ड वो सब कुछ महंगे हैं, बट ये वाले जो आइटम है कैमरा कैमरे के ये फोन वोन ये सब कुछ सस्ता है। ये लो भाई जो लोग बोल रहे थे ना GoPro 12 का प्राइस कितना है 22,900 रुपये, तो भैया हमने SD कार्ड तो परचेस कर लिया है। SD कार्ड हमने दो परचेस करे अपने लिए, क्योंकि हमारा जो SSD कार्ड है ना आपका 1TB का वो अच्छे से वर्क कर नहीं रहा है, कोई भरोसा। तो भाई ये यहाँ की लिफ्ट है, इस लिफ्ट से चलते हैं। तो भाई जितने सारे ब्रांड्स का ना मैंने नाम भी नहीं सुना था, उससे ज्यादा ब्रांड तो मैंने देख लिए हैं भाई। मतलब कौन कौन से ब्रांड आपको नाम मैंने सुना भी नहीं होगा जिंदगी में, इतने महंगे महंगे ब्रांड है भाई। देख रहे हो अपने लिए कैंपिंग टेंट नहीं ले पा रहे हैं, बताओ यहाँ कुत्ते के लिए भी कैंपिंग टेंट मिल रहा है, सोचो भाई। कारा से लेके रोलेक्स से लेके भाई साहब मत पूछो कि कौन। और अभी तो मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर में आया हूँ, उसके बाद सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर, भाई साहब आप गिनते रहो कितने फ्लोर है ऊपर तक, मतलब आप देखना आप थक जाओगे भाई साहब, लेकिन ये मॉल आप घूम नहीं पाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा मॉल इसका नाम ऐसे ही नहीं है भाई, यहाँ घूमते घूमते ना कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी इस मॉल को घूमना पॉसिबल नहीं है, एक एक शॉप को तो मुश्किल, क्योंकि भाई ये मॉल पूरे 89,00,000 स्क्वायर फीट में मॉल फैला हुआ है, तो एक दिन में तो घूमना पॉसिबल नहीं भाई। इस मॉल इतने बड़े मॉल में आया मुझे अब पता चला कि ऐसा भी होता है। मेरे को लगा था कि डुकाटी की बाइक आती है, बाबू भैया UK07 राइडर जो बिग बॉस में है ना उनको देख देख के हमने डुकाटी का नाम सुना, यहाँ आके पता चला कि डुकाटी के भाई बैग भी आते हैं। देखो ये आपके क्या बात है यार, और डुकाटी का बैग है कितने का पहले आप दिखाते हैं। ये छोटा पिट्ठू बैग डुकाटी का आपका 1,800 रुपया भात का है, मतलब कि 3600 रुपये के आसपास, ठीक है भाई क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था कि डुकाटी के बैग भी आते हैं। सब कुछ तो आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका घूम रहा हूँ, और एक ट्रैवलर हूँ तो भाई ट्रैवलर को भाई बैग तो दिख ही जाते हैं। आजकल हमारी पसंद चेंज हो गई है, पहले कभी हम जहाँ कपड़े वपड़े घड़िया वड़िया चश्मे से देखते थे, आजकल हम लोग बैग SD कार्ड हार्ड डिस्क कंप्यूटर कैमरा लेंस ये सब चीज़ ढूंढते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में यही सब अच्छा पसंद आता ना यार। यानी ये वाला बैग काफ़ी कूल लग रहा है भाई, स्ट्रीम ट्रेल्स, और ये हाउ मच बात फॉर दिस बैग, 4,450 बात, मतलब कि भाई साहब 10,000 रुपये बैग है। तो भाई वैसे तो मैंने आपको ना बहुत सारे मॉल पहले दिखाए हैं, लेकिन आज मैं फिर भी आपको
पूरा मॉल घूम के दिखा रहा हूँ। आखिर दुनिया के सबसे बड़े मॉल में क्या क्या होता है, मैं आपको वो दिखाने के लिए ना बस जस्ट वॉक कर रहा हूँ। अगर आप खरीदने ना भी आओ ना, तो अपने मन के तसल्ली के लिए आते हो कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा मॉल घूमा है जैसे मैं घूमा। जरूरी थोड़ी कि हमें सब कुछ खरीदना है। इस मॉल में आपका स्विमिंग का भी है, इस मॉल में आपका जिम का भी, इस मॉल में डांस नाच गाना परफॉर्मेंस खाना पीना सब कुछ अलग अलग सेक्शन बने हुए। देख रहे हो भाई, ये एक ब्रांड है आई लैब, चश्मों का ब्रांड है भाई। भाई ये चश्मा आपका 17,500 बात का है, मतलब आपका 40,000 रुपये का चश्मा। 40,000 रुपये का चश्मे में भाई आखिर क्या हिसाब, 40-42,000 रुपये का चश्मा कब पहनूंगा मैं सारे चश्मे भाई। भाई मैं एक के बाद एक फ्लोर चढ़ता जा रहा हूँ भाई, 3 फ्लोर चढ़ चुका हूँ, अभी हालत ख़राब है, अभी ऐसे ही 5-6 फ्लोर और चढ़ने हैं। और भाई हम तो ना मतलब 8-10 साल से दिल्ली घूम रहे हैं मतलब, और ये मॉल 18 साल पहले बन चुका था। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने 10 साल पहले इन एक्सेलेटर पर चलना सीखा है भाई। जब पहली बार दिल्ली आया था ना, तो इन ये चलने वाली सीढ़ियों पर चल भी नहीं पा रहा था मैं। देख रहे हो जितना मॉल के ऊपर जाते जा रहे हैं ना, नीचे का पोर्शन इतना खूबसूरत लग रहा है भाई, देख रहे हो आप, मज़ा आ गया। तो भाई ऊपर मैं 3rd फ्लोर पर आया ना, यहाँ पे मुझे एक ब्रांड दिखाई दिया 425। ये एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ और सिर्फ आईफोन के कवर बनाता है, यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आईफोन के लग्जरी से लग्जरी कवर मिलेंगे सारे। तो भाई ये वैसे आपको पता होगा आजकल ना हर कोई भैया वीडियो गेम का दीवाना हो रहा है, वो यूट्यूबर हो या फिर जो शौकीन हो गए, और यहाँ पे ना पूरा वीडियो गेम का पूरा सेटअप है। देख रहे हो आप, मतलब आप कौन कौन से गेम खेलना चाहते हैं वो सारे सेटअप इनके पास हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम यूट्यूबर ना सारे गेमर बन चुके हैं, इस तरीके से पूरा सेटअप लगा लेते हैं। 75,000 फॉर स्क्रीन, ओनली स्क्रीन एंड सीपीयू, 79,900 ओनली सीपीयू एंड दिस स्टीयरिंग, 4,750 बात टोटल मिला के कितना हो गया। आइलैंड कितने, इस दुनिया के सबसे बड़े मॉल में ना मैं आपका कार चलाना सीख रहा है। ये देखो भाई, अगर मैं अगर क्या कहते गेमर बना ना कभी भाई, वैसे मैं अच्छा ड्राइवर हूँ यार। ओ भाई स्पीड देख रहे हो भाई मेरी, ओ सब भाई एक्सीडेंट हो गया बता लो। तो अगर आप यूट्यूब पे गेमिंग करना चाहते हो और ये सारा सेटअप खरीदना चाहते हो ना, ये पूरा सेटअप आपको 2-2.5 लाख रुपए का है आपका थाई करेंसी में, इंडियन करेंसी में आप लगा लो 5 लाख रुपए का पूरा सेटअप। तो भाई मैं ना अपने साथ हार्ड डिस्क लेके आया था, मुझे इसके लिए ना केबल छूट गया था, तो केवल मुझे यहाँ मिल गया। ये मुझे बात मतलब दुनिया के सबसे बड़े मॉल से मैंने सबसे छोटा सामान लिया, लेकिन लिया जरूर है भाई। तो भाई हम लोग एक और स्टोर में आए, यहाँ पर आपका आईफोन 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स एंड 15 पड़ रहा है 32,900 रुपये, और आईफोन 15 प्रो पड़ रहा है 41,900 रुपये, और आईफोन 15 प्रो मैक्स पड़ रहा है आपका 48,000 रुपये का। इंडिया से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, बट ये आपका थाई करेंसी में है, इंडियन करेंसी में तो ये बहुत महंगा होगा भाई मतलब, लेकिन इंडिया से फिर भी आपके 30-35,000 रुपये बची जाएंगे भाई साहब, क्योंकि जो भी मैंने आपको वैल्यू बताई है ना, उसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से उतना ही मिल रहा है समझ लो। तो भाई जी आपका 4.5 घंटा हो गया पूरा इस मॉल के अंदर, और अभी मैं भाई इतना ही घूम पाया हूँ कि ऊपर इतना मॉल और है भाई। तो भाई यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक आपको बैग दिख रहा है, एयर व्हील कंपनी का बैग है, ये बैग के साथ साथ आपकी गाड़ी भी है भाई, मतलब इसमें बैठ के घूमने भी चले जाओ आराम से, मस्त आइटम है यार ये। 28,000 भात का है भाई, 29,000 भात, 28,000 भात, और ये आगे को उड़ जाना है भाई, इसमें देखो भाई साहब, ये सूटकेस के साथ साथ अपना स्कूटर भी है भाई, पूरा मॉल घूम लिया है बढ़िया तरीके से। देख रहे मॉल के अंदर बाइक ही मिलती है, वो देखो जितने ऊपर जाते जा रहे हैं नए नए सेक्शन मिलते जा रहे हैं। ये आपका थाईलैंड की इलेक्ट्रिक स्कूटी है, थाईलैंड में भाई स्कूटी भी देख ली, मतलब अभी हमने थाईलैंड का लाइसेंस भी नहीं, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये है कितने की, कैसी है, क्या है पता नहीं। हाउ मच फॉर दिस, 85,000 बात। भाई कहने का मतलब है ये जो स्कूटी है ना 2 लाख रुपए की पड़ेगी आपका, 2 लाख में तो ना भाई मैं वहाँ 1 लाख मिला के साला बढ़िया सी वो ले आऊंगा, क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बाइक कोई। चलो अब यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि अब मॉल में घूमना मेरे बस का नहीं है, पैरों में दर्द हो गया भाई मेरे। देखो उजाले में आया था और अब अंधेरे में बाहर जा रहा हूँ, जब आया था तब भाई साहब बाहर उजाला था, और अब देखो भाई पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे ना काफी घूम लिया बहुत देर, 4-5-6 घंटा हो गया। सुबह आए थे भाई इस मॉल में, इतना बड़ा मॉल है कि घूमते घूमते रात हो गई। तो भैया जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अपने होटल पे, और अभी हो रहा है रात के बज रहे हैं भैया 9:30। और आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक ब्लॉग देखा है, क्योंकि तुम्हारा भाई पूरा एफर्ट कर रहा है आपको हर तरीके से हर चीज़ दिखाने के लिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और मुझे क्या क्या दिखाना चाहिए कमेंट में वो भी बताओ। बाकी अभी इसके बाद वियतनाम जाना है, वियतनाम की पूरी दुनिया आपको घुमाई जाएगी, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एक कमेंट करना, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, पढ़ूंगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपने ब्लॉग देखा है तो कमेंट जरूर करके जाना। बाकी चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर आपसे एक बहुत खूबसूरत से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।